हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं स्टील से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं, तो आ गया हूं आपके डिमांड पे आज फिर एक न्यू वीडियो लेकर के। तो यहां पे हमारे पास 1.5x1.5 इंची का यहां पे 16 गेज का स्क्वायर पैप है स्टेनलेस स्टील का। इसका हम आपको वजन करके दिखाएंगे और इसके साथ साथ आपको ये भी दिखाएंगे कि 1.5x1.5 इंची का जो 24 गेज का पाइप होता है उसका कितना वजन होगा। तो यहाँ पर आप साइज़ देख सकते हैं कि 1.5 इंची आपका है, दोनों साइड से 1.5x1.5 इंची स्क्वायर है। ये 16 गेज का पाइप है तो इसका वजन कितना होता है, 20 फीट का ये लेंथ होता है 20 फीट का, तो बहुत सारे काम में लगते हैं। अभी रेलिंग में भी स्क्वायर पैप बहुत सारे लगाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा ये काटा है, इसको ऑन कर लेते हैं। ऑन करके अभी हम लोग इसको वजन करेंगे और दोनों पैप को कंपेयर करेंगे कि 24 गेज और 16 गेज में कितना का डिफरेंस हो जाता है। तो बहुत कोई नहीं जानते हैं, तो स्टील का काम कर रहे हैं या फिर बहुत कस्टमर होते हैं, तो उनके लिए वीडियो को तो वीडियो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस तरह से अमेजिंग जानकारी आपको मिलती रहती है। तो चलिए अभी हम लोग इसको फटाफट पहले इसको वजन में चढ़ा लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे 16 गेज वाले को चढ़ा लिया। यहाँ पे 11 किलो 650 ग्राम, मतलब ये 11.5 किलो प्लस हो रहा है। ये 16 गेज का SS पाइप है, इसमें 18 गेज का होता है तो वो और कम हो जाएगा। ये हमारा खेतान का माल है ये, ठीक है। ये हालांकि सभी माल जिंदल के होते हैं, लेकिन इसका जो ब्रांड है वो जिंदल खेतान का है। तो अब हम लोग इसके साथ साथ जो 24 गेज वाला 1.5 का पाइप होता है उसको हम लोग वजन करके देखेंगे। तो इसको भी फटाफट चढ़ा लेते हैं। दोस्तों इसको भी यहाँ पे मैंने चढ़ा लिया। यहाँ पे आप वज़न देख सकते हैं 4 kg 300 के आसपास आ रहा है, कितना डिफरेंस है। और अगर आपको किसी पाइप की जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट करें, आपको ज़रूर वीडियो मिलेगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।